देखिए वॉल क्लॉक में दो तीन चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो वॉल क्लॉक का कलर, उसका कलर, उसका शेप, शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज आती है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको प्लेस करनी चाहिए। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग वॉल क्लॉक इज ओनली ईस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, घड़ी को हमेशा ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं भी लगाते हैं घड़ी को, कहीं भी आप लगाते हैं तो वेस्ट या साउथ में लगाते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। तो घड़ी को कभी भी, और साउथ में तो कभी नहीं लगाना चाहिए साउथ वॉल पे। नेवर एवर कीप अ वॉल क्लॉक ऑन द साउथ वॉल, क्योंकि वो साउथ की नेगेटिव एनर्जीज को रोटेट करना शुरू कर देती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है शेप ऑफ द क्लॉक, शेप क्या होनी चाहिए। आइडियल शेप टू पुट द वॉल क्लॉक इज, अगर आप ईस्ट में लगाते हो इट शुड बी ऑफ स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। एंड इफ यू आर पुटिंग द वॉल क्लॉक ऑन द नॉर्दर्न वॉल इट शुड बी ऑफ नॉर्थ रेक्टेंगुलर शेप। अगर किसी वजह से वेस्ट वॉल पे लगानी पड़े तो राउंड शेप होनी, नॉर्थ में राउंड नहीं, नॉर्थ और ईस्ट में राउंड नहीं लगाना चाहिए। वेस्ट में अगर लगाना, अगर कभी मजबूरी है अपने पास चॉइस नहीं है वेस्ट में लगाना पड़ा तो फिर राउंड शेप लगा। एक आज मैं आपको और टिप देता हूँ, बहुत अच्छा टिप है, यूजफुल टिप है एंड इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद योर फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस। ठीक है, वी यूज टू कॉल देम मैजिक टिप्स, जिनको मैजिक टिप बोलते हैं वास्तु में। आप अपने घर के, अपनी बिल्डिंग के वेस्ट में एक राउंड वॉल क्लॉक लगाइएगा, ठीक है, और उसका जो आउटर डायल होता है ना, आउटर जो रिंग होता है, दैट शुड बी ऑफ गोल्डन कलर और येलो कलर। अरे मतलब बिल्डिंग में क्या हुआ? ठीक है, वेस्ट में अगर आप वो लगाते हो राउंड क्लॉक लगाते हो तो, और येलो या गोल्डन अगर उसका आउटर होता तो वो आपके फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है, बहुत बेनिफिट देता है। आप ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं करने जाकर के, खाली आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तभी आपको लगने लगेगा कि आपको बेनिफिट होने शुरू हो गए। आप ये करिए और देखिए दो दिन में कोई चीज नहीं बदलती, पहली बात आप ये समझ लीजिएगा। वास्तु कोई जादू नहीं होता कि कोई करे और तुरंत छड़ी घुमाती और जादू हो गया, टाइम लेता है एनर्जी का बैलेंसिंग होने में, लेकिन एक बार एनर्जी की बैलेंसिंग शुरू हो जाती है फिर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो आप ये लगा करके देखिए। हाँ सर, समझ कि बीम के ऊपर अगर वॉल क्लॉक लगाए तो अच्छा नहीं होता, बीम या हाँ बीम पर, बीम पे भी नहीं लगानी चाहिए और इस पे भी नहीं लगानी चाहिए, ये एंट्रेंस है। हाँ मतलब कोई डोर एंट्रेंस, कोई डोर एंट्रेंस है, सपोज जैसे ये डोर एंट्रेंस है तो अभी तो इसके ऊपर तो वॉल नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर वॉल रहती है तो इसके ऊपर भी नहीं लगा। सर एंट्रेंस के सामने लगाए तो? एंट्रेंस के सामने लग सकती है लेकिन एंट्रेंस के ऊपर नहीं लगा। मतलब अवॉइड करना चाहिए कि जो डोर है उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। हाँ जैसे आप समझिए, सपोज ये डोर है, कोई भी एंट्रेंस हो, खाली ऐसा नहीं बाहर की एंट्रेंस है, ये हमारी रूम की भी एंट्रेंस है, तो इसके ऊपर नहीं लगानी चाहिए, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, ये दोनों जगह से आपको कभी भी भूल जाना चाहिए। वॉल क्लॉक नहीं लगानी, घड़ी कैलेंडर कभी नहीं टालनी चाहिए। लगाए तो क्या कुछ होता है, प्रॉब्लम क्या होता है लगाए तो? देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है, हमारा एक वॉल क्लॉक था ना वो डोर के ऊपर ही था, बार बार बंद ही पड़ता, चलता ही नहीं था। देखिए वो तो खैर बंद और उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चांस भी हो सकता है कि वो बंद हो जाए।